नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं 19, 20 और 21 सितंबर का दैनिक राशिफल। आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपका दिन कैसा रहेगा। अब लेते हैं हमारी 11वीं राशि कुंभ राशि। आपके लिए पहला कार्ड अपीयर हुआ है क्वीन ऑफ द वॉन्ड्स का, दूसरा कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है नाइन ऑफ द पेंटिकल्स का और आपके लिए तीसरा कार्ड आया है नाइट ऑफ द वॉन्ड्स का। 19 सितंबर का जो दिन है इस दिन आप अपने परिवार के प्रति बहुत ही सुरक्षात्मक रहेंगे, अपने परिवार के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पजेसिव रहेंगे और कोशिश करेंगे कि परिवार के किसी सदस्य को किसी भी प्रकार से कोई भी हानि ना होने पावे। लेकिन अगर आप अपने परिजनों को थोड़ी सी छूट नहीं देंगे, जोखिम नहीं लेने देंगे, तो उनका विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको ये भी निर्णय संभाल के लेना चाहिए कि आपको उन्हें कितनी छूट देनी है और कितनी छूट नहीं देनी है। परिवार के ऊपर धन के व्यय होने के योग बने हुए हैं। परिवार में किसी भोग विलास के सामग्री के खरीदे जाने के भी योग 19 सितंबर को बने हुए हैं। 20 सितंबर के दिन धन की आवक आपके पास अच्छी रहेगी। धन से संबंधित कोई पुरानी समस्या भी आपकी दूर हो सकती है या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी किसी योजना के पूरा होने पर धन का रास्ता आपके लिए खुल जाए। अगर आप इन्वेस्टमेंट इत्यादि में हैं तो वहां से भी अच्छी खबरें आपको प्राप्त हो सकती हैं। 21 सितंबर का जो दिन है इस दिन आपको अपने फायदे के लिए बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। आपको ध्यान देना चाहिए कि किन किन क्षेत्रों में और कहां कहां आपका अपना लाभ है। दूर देश में रहने वाले या दूर के किसी शहर में रहने वाले किसी रिश्तेदार या मित्र से आपका मिलाप हो सकता है। कुछ मामलों में आपकी यात्रा भी हो सकती है। समाज में आप अपनी प्रतिष्ठा को जितना ज़्यादा बढ़ाने की खुद कोशिश करेंगे, उस प्रतिष्ठा में उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से इजाफा होगा। इसलिए समाज में अपनी भूमिका और अपनी सिचुएशन का अगर आप ध्यान रखेंगे तो 21 सितंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। ओवरऑल 19, 20 और 21 सितंबर आपके लिए फ़ायदेमंद है कुंभ राशि, और इन तीनों दिनों में आपको खुशहाली और संतोष की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, ये था दैनिक राशिफल 19, 20 और 21 सितंबर के लिए। मेरा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू, नमस्कार।